हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट? तो क्लास 12 में आपकी टोटल 2 बुक्स हैं। अभी हम इसके फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन देखा था कि ये किस तरह से सब पार्ट बना था या फिर सब डिसिप्लिन बना था मेन ज्योग्राफी का। एंड इसके डेफिनेशंस वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आफ्टर दैट जो है, वी हैड डिस्कस अबाउट दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड इन थर्ड चैप्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हमने पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन की बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो है, अभी फोर्थ चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें बात की थी अबाउट दी ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। एंड इसी चैप्टर को जो है, फोर्थ चैप्टर को आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस पर्टिकुलर बुक में, राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अभी बात करते हैं अबाउट दी अप्रोचेस ऑफ दी ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो कहते हैं कि यहाँ पे कई तरीकों से हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज आर, जैसे कि इनकम अप्रोच होगी, वो भी देखते हैं, वेलफेयर अप्रोच होगी, मिनिमम नीड्स जो होती हैं उनकी वो भी देखी जाती है, एंड कैपेबिलिटीज अप्रोच जो है वो भी देखी जाती है। तो ये टेबल 4.1 है, इसमें यहाँ पे सभी अप्रोचेस के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले है आपकी इनकम अप्रोच, तो ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ओके, मेन जो है उसे इनकम के साथ लिंक किया जाता है कि उसकी लेवल ऑफ इनकम क्या है। ओके, तो अगर लेवल ऑफ इनकम अच्छा है, तो उसकी फ्रीडम को उसी से ही जो है नापा जाता है। हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर इज द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसा माना जाता है। देन वेलफेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ एज बेनिफिशियरी, ह्यूमन बींग को एज ए बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे टारगेट माना जाता है ऑफ द ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ओके, हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाता है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज के ऊपर जो है यहाँ पे खर्चा किया जाता है, सो डैट की जो है ह्यूमन की डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद में कुछ बेसिक नीड्स अप्रोच आ जाती हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इनिशियली एक अप्रोच होती वो प्रपोज की थी, तो 6 बेसिक नीड्स जो है वो उन्होंने डिफाइन की थी, जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, एंड हाउसिंग हो गया। तो इसे आइडेंटिफाई किया गया था। तो जो ह्यूमन चॉइसेस हैं, राइट, उनके क्वेश्चन को इग्नोर किया गया था, एंड इम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। ओके, कि बेसिक नीड्स पहले फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद में कैपेबिलिटी की अप्रोच जो है वो देखी जाती है। अमर्त्य सेन ने इस जो है जो प्रोफेसर थे उसे उसके साथ जो है इसे एसोसिएट किया जाता है कैपेबिलिटी अप्रोच को। वो बोलते हैं कि ह्यूमन की जो एबिलिटी है या फिर कैपेबिलिटी है, उसे हमें यहाँ पे जो है बनाना होगा, बिल्ड करना होगा। ओके, तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह से मेजर कर सकते हैं वो देखते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, ये एक ऐसा इंडेक्स जो कि कंट्रीज को रैंक करता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे, कि हेल्थ की एरियाज, एजुकेशन हो गया, या फिर रिसोर्सेज का असेस कितना है ह्यूमंस को यहाँ पे। ओके, तो 0 से लेके 1 तक यहाँ पे जो है स्कोर दिया जाता है जो कंट्री यहाँ पे अर्न करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट कितना वहां पे हुआ है। तो दिस इंडिकेटर चूजन टू असेस द हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ओके, तो हेल्थ की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हेल्थ को यहाँ पे क्या देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ पे कितनी है, जब बर्थ होता है तो कितने बच्चे जो है वो जिंदा रहते हैं। ओके, तो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो गया यहाँ पे कि लोगों के पास जो है, दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे ज्यादा है, तो लोग जो है ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे हेल्दी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद में एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो भी चेक किया जाता है कि कितना एक्सेस टू नॉलेज उन्हें यहाँ पे है। ओके, तो जो नंबर ऑफ एडल्ट्स यहाँ पे दे आर एबल टू रीड एंड राइट, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल्स में यहाँ पे इनरोल करते हैं, वो हमें ये क्या दिखाता है कि कितना यहाँ पे नॉलेज का एक्सेस है इन पर्टिकुलर कंट्री। ओके, तो एक्सेस टू रिसोर्स की अगर यहाँ पे बात करें, तो परचेजिंग पावर के बेसिस पे जो है उसे मेजर किया जाता है। तो ईच ऑफ दीज डायमेंशन इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इट इज अ सम टोटल ऑफ द वेट्स असाइन टू ऑल दीज डायमेंशन। ओके, तो द क्लोजर अ स्कोर टू दी 1, जितना यहाँ पे आपका 1 के पास स्कोर होगा, उतना ही जो है वहां पे डेवलपमेंट का जो है लेवल ग्रेटर होगा। देयरफॉर 0.983 जो है वो वेरी हाई माना जाता है, 0.268 जो है वो यहाँ पे लो लेवल माना जाता है डेवलपमेंट का। ओके,
तो उसके बाद में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इट मेजर द अटेनमेंट्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी अटेनमेंट हुई है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज बीन अचीव्ड इन की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के की एरियाज में आपने क्या अचीव किया है। येट इट इज नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर। ओके, सो दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ ही जो है इसे रिलेट किया जाता है। तो मींस जो है शॉर्टफॉल ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में जो होती है उसे जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो शो करता है। इट इज अ नॉन इनकम मेजर। ओके, ये नॉन इनकम मेजर है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द एडल्ट इलिटरेसी रेट एंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एसेस टू क्लीन वाटर एंड नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, तो ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पे इसमें देखी जाती है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। ओके, तो वो कहते हैं कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो ज्यादा रिवीलिंग है देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये अच्छे से जो है हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। तो द वेज टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बींग रिफाइंड, तो इन्हें जो है लगातार चेंज किया जा रहा है एंड नए नए तरीके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को कैप्चर करने के लिए जो है वो यहाँ पे तरीके ढूंढे जा रहे हैं एंड उनके ऊपर अभी रिसर्च भी की जा रही है। तो रिसर्चेस इवन जो है एक तरह से ऐसे लिंक भी फाउंड करते हैं जैसे कि लेवल ऑफ करप्शन कितना है कंट्री में, पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उसमें भी लिंक जो है वो क्रिएट करते हैं। ओके, कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स जो है उसके ऊपर भी अभी डिस्कशन चल रहा है कि इस ऐसा भी एक इंडेक्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना होगा कि एक ऐसी लिस्टिंग होगी कि मोस्टली जो करप्ट कंट्रीज जो है उसके बारे में ये इंडेक्स होगा। ओके, तो क्या आप कोई और लिंक्स भी फाइंड कर सकते हैं टू चेक द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे। अब अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करें, ओके, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइज जो होती है किसी जगह की या फिर पर कैपिटा इनकम जो होती है दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑफन जो स्मॉल कंट्रीज जो होती है वो अच्छा कर रही होती है देन द लार्जर वंस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। सिमिलरली जो रिलेटिवली पुअर नेशंस होते हैं दे हैव रैंक्ड हायर देन द रिचर नेबर्स इन द टर्म ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका की, त्रिनिदाद या फिर टोबैको की अगर हम यहाँ पे बात करें, दे हैव द हायर रैंक देन द इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, चाहे वो छोटी कंट्रीज है बट उनकी कंडीशन यहाँ पे अच्छी हैं। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो केरला जो है वो पंजाब या फिर गुजरात से जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, एंड डिस्पाइट हैविंग द लो पर कैपिटा इनकम। तो कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। तो हम कंट्रीज को फोर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स जो उन्होंने यहाँ पे अर्न किए थे, आगे टेबल देखेंगे हम। ओके, तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन कंट्रीज का है जिसका जो है स्कोर 0.800 के पास है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2020 दिस ग्रुप इंक्लूड 66 कंट्रीज। तो इस ग्रुप में जो है 66 कंट्रीज आती हैं। तो टेबल 4.3 जो है वो टॉप 10 कंट्रीज जो है इस ग्रुप में उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताता है। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया जो है वो बताया हुआ है। लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है यहाँ पे वेरी हाई, जिन कंट्रीज का स्कोर जो है 0.793 से ऊपर है, तो 47 कंट्रीज है ऐसी। हाई के बीच में यहाँ पे 0.698 से लेके 0.793 तक जो है यहाँ पे उनका स्कोर जाता है, टोटल 47 है। देन मीडियम में जो है ये वाला स्कोर है, 47 कंट्रीज हैं। लो में 0.522 से बिलो जिनका स्कोर है तो वो का उसमें जो है टोटल 46 कंट्रीज हैं। तो ये टॉप 10 कंट्रीज नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकॉन्ग, स्वीडन, सिंगापुर एंड नीदरलैंड, ये जो टॉप 10 कंट्रीज हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में जो है 53 कंट्रीज हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी है ऐसी कंट्रीज में। तो कंट्रीज जिनका यहाँ पे हायर ह्यूमन डेवलपमेंट है दीज आर दोज विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर जो है वो यहाँ पे किया गया है। ऑल टूगेदर अ हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। ऑब्वियसली हायर इन्वेस्टमेंट हुई है सोशल सेक्टर में या फिर जो है गुड गवर्नेंस है वहां पे, इसी की वजह से जो है ये कंट्रीज दूसरी कंट्री से जो है बेटर परफॉर्म कर रही हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज इनकम स्पेंट ऑन दीज सेक्टर्स। ओके, सो यू विल नोटिस दैट मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन द फॉर्मर इंपीरियल पावर्स। तो ये सारी जो कंट्रीज है ना ये पहले इंपीरियल पावर्स हुआ करती थी, इन कॉलोनियल पावर्स हुआ करती थी। डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दिस कंट्रीज जो है वो ज्यादा नहीं है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ही बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विद द
हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर जो है, दीज आर लोकेटेड इन द यूरोप. ऐसी जिनका हायर स्कोर है ना, वो कहाँ पे? यूरोप के ही कंट्रीज हैं. ओके, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, उन्हें ही रिप्रेजेंट करती हैं. एंड उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ देर आर स्ट्राइकिंग नंबर ऑफ द नॉन यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो हु हैव मेड इट टू दिस लिस्ट. ऐसा नहीं है कि ओनली यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, बट मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं यहाँ पे इस लिस्ट में. अगर हम मीडियम लेवल की बात करें, ओके, तो वहां पे भी जो है लार्जेस्ट ग्रुप बनता है, 37 कंट्रीज हैं यहाँ पे मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की. ओके, तो ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कंट्रीज इमर्ज हुई थी ना, वे इस कैटेगरी में वो वाली कंट्रीज आती हैं, राइट. ये फॉर्मर कॉलोनीज हुआ करती थी एंड बाकी जो है ब्रेकअप की वजह से अलग अलग हुई हैं. तो मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन रैपिडली जो है वो इम्प्रूव कर रही हैं अपना ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर, एंड वो जो है अच्छे पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज को जो है अडॉप्ट कर रही हैं एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करती जा रही हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज जो है दे हैव अ मच हायर सोशल डाइवर्सिटी देन दी अदर कंट्रीज. सो मैनी इन दिस ग्रुप जो है दे हैव फेस दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो उनकी हिस्ट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी उन्होंने फेस की है. सोशल अपराइजिंग्स भी जो है इसी ऐसी कंट्रीज में जो है उन्होंने फेस की है. एंड एज मैनी एज 33 कंट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो लो लेवल में आती हैं. ओके, तो अभी जो है ऐसी कंट्रीज है ये लो लेवल वाली, यहाँ पे अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, सोशल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे चल रही है, सिविल वॉर की फॉर्म में वहाँ पे चल रही है, फेमाइन है या फिर कुछ और बीमारियां वगैरह जो है बहुत ज्यादा वहाँ पे फैली हैं, तो वो इन कैटेगरीज में आती हैं. ओके, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन जो है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का, इट शोज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, एक्स कंट्री हैज अ लोअर डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो वाई रिलीजन. ओके, लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसी ये रिलीजन जो है वो फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से जो है उनका लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ऐसा माना जाता है. बट ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो मिसलीडिंग्स हैं. तो इंटरनेशनल कंपेरिजन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पे दिखाते हैं. ऑन दी अदर हैंड, places with the low level of human development tend to spend more on the defense. okay, तो जो जिन countries का यहाँ पे low level of human development है ना, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने defense के ऊपर ज्यादा खर्चा किया है than the social sectors. okay, क्योंकि वहां पे political instability थी, तो दैट वजह उन्हें defense के ऊपर ज्यादा खर्चा जो है वो करना ही पड़ेगा. सो डैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इसी के साथ हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.